दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहा हूँ जो आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो पूरी गर्मियों में आपको जो आपका गार्डन है वो फूलों से भरा रहेगा। तो ये जो पौधा है इसकी केयर भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आसानी से कहीं पर कोई भी ग्रो हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने ये पौधा जो है ये देखिए गिलास में भी लगा रखा है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रो हो रखा और अच्छी फ्लावरिंग भी देने लग गया है। देखिए हर ब्रांच से कलियाँ भी आ रही हैं इसमें। देखिए अगर इसकी मैं आपको केयर बताऊंगा किस प्रकार से करनी है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखा मैंने, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, या आपका छोटा सा कोई पॉट है 6 इंच का या 8 इंच का, उसमें भी लगा सकते हैं आप। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा पौधा। इसकी केयर मैं आपको बताऊँगा और इसको कैसे ग्रो करा जाता है उसके सब तरीके मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं, जो नए वीडियो में पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस जो पौधा है इसको कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसको कहीं पर को पोर्सुलाका कहते हैं, कहीं इसको मॉस रोज कहते हैं, कहीं इसको 12 o'clock कहते हैं। 12 o'clock इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पौधा है ये इसके जो फूल खिलते हैं वो 12 बजे से पहले ही इसमें मुरझा जाते हैं। 12 बजे से के बाद इसमें कोई भी फूल नहीं रहेगा। इसमें एक वैरायटी ये आती है, ये देखिए इसमें जो फूल है 2-3 दिन तक खिले रहता है। ये वैरायटी मॉस रोज कही जाती है, खासकर इसी को मॉस रोज कहते हैं जो ये प्लांट होता है। ये थोड़ा सा मेरे जो ये पानी ज़्यादा हो गया था उसकी वजह से थोड़ा सा डल पड़ गया है। इस पौधे को गर्मियों में जो ग्रोइंग होती है इसकी अच्छी होती है, इसलिए इसको इसमें जितना कम पानी डालेंगे ये उतना अच्छा ग्रो करेगा और इसमें अच्छे फ्लावरिंग होगी। ये मेरे पानी ज़्यादा की वजह से इसमें थोड़ा सा इसके पौधा जो है ग्रोथ रुक गई है इसकी, इसलिए इसमें पानी आप कम करिए। इस पौधे को पानी की मात्रा भी आप कम कर सकते हैं। अगर पानी इसमें जितना कम करेंगे उतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होगी। तो इस पौधे की आप मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से लगाया जाता है। आप नर्सरी से कोई एक पौधा लाते हैं तो आप उससे ही अनेकों पौधे बना सकते हैं, या आप कहीं से कोई बीज के थ्रू इसको ग्रो करते हैं तो ये बीज से भी ग्रो हो जाता है और इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले तो आप जो आप कोई पॉट का अगर चुनाव करते हैं, जिस पॉट में लगाना है आपको, आप इसको हैंगिंग बास्केट के तौर पर लगाएंगे तो आपका ये हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छा लगेगा गार्डन में, क्योंकि इसमें फूल इतनी अधिक मात्रा में खिलते हैं कि आपका जो पॉट है, कोई भी हैंगिंग बास्केट है या कोई भी पॉट है, वो पूरा फूलों से भर जाएगा। हालांकि ये पौधा जो है 12 बजे तक खिलता है, लेकिन इसमें जो फूल होते हैं वो इतने अच्छी मात्रा में खिलते हैं कि आपका गार्डन अच्छा लगेगा उससे, इसके फूलों से। और इसमें कलर भी कई प्रकार के आते हैं, मेरे पास भी 5-6 वैरायटी के इसमें कलर हैं। तो मैं आपको इसकी बताता हूँ इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए ग्रोइंग जो मीडिया चाहिए होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो ग्रोइंग मीडिया चाहिए उसमें आप मिट्टी जो है, मिट्टी बहुत कम भी करेंगे तो चल जाएगा। मिट्टी के साथ आप, मैंने एक दो वीडियो बना रखे है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं जो मेरे पहले के वीडियो हैं कैसी मिट्टी इसकी आप तैयार करेंगे। तो आप इसके लिए जो मिट्टी है उसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं। राइस हस्क की मात्रा इसमें ज़्यादा कर देंगे और मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम। मान लिया जैसे आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 30% इसमें मिट्टी और 40% इसमें राइस हस्क और 30% इसमें जो है कोकोपीट भी मिला सकते हैं, या आप कोई खाद वगैरह मिला रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत कम मात्रा में फैलती हैं। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने ये लगा रखा, ये हल्की मॉइस्चर रहना चाहिए इसमें, हल्का मॉइस्चर, मतलब आप 2-3 दिन में पानी डालेंगे तो ये अच्छे फूल खिलेंगे। इसमें जितना पानी इसमें ज़्यादा होगा उतने इसमें फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि ये पौधा गर्मियों का पौधा है और गर्मियों में अच्छे फ्लावरिंग देता है और इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो इसको आप कटिंग के थ्रू लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए जैसे आप, ये पौधा है ये, इसको आप कहीं से भी, जैसे आप थोड़ा सा इसकी अगर इसको 100 पीस टाइप का बनाना चाह रहे हैं तो आप उस प्रकार से बना सकते हैं इसको। इसको आप इस प्रकार से तोड़ेंगे और कोई भी ग्रोइंग मीडिया में आप इसको कहीं पर को भी देखिए, जैसे आपको इसको गमले में पूरा भरना है
तो आप इसको ऐसे करके लगा देंगे, ये बस ये प्लांट जैसे मान लिया इसमें फूल खिल रहा है तो वो खिलेगा ज़रूर। जैसे कई प्लांट होते हैं वो क्या कहते हैं हम कटिंग से लगा रहे हैं तो लग नहीं पाते हैं, ये पौधा कटिंग से आसानी से लग जाता है और इसको आप इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसको आप इस प्रकार से कटिंग से ऐसे लगा सकते हैं और आपको और ज़्यादा इसको अच्छा करना है, इसको और ज़्यादा इसको घना बनाना है तो आप इसको इसकी कटिंग ऐसे लगाते रहिए। जैसे मैं ये तोड़ रहा हूँ कहीं से भी है तो आप इसकी ऐसे इसको कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं। और आप अगर इसको बीज के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं तो बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने पौधा जो है बीज के थ्रू ग्रो करे थे, उसके बाद ये हमेशा के लिए हो जाते हैं आपके पौधे, ये हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे। क्योंकि इसका जो जैसे इसका सीजन स्टार्ट होता है, इसके बीज जो ज़मीन में आपके कहीं भी पॉट में गिरे रहते हैं तो वहाँ से ये ग्रोथ पकड़ लेता है। और ये पौधा कहीं भी आपके देखना, अगर आप एक बार लगाएंगे तो आपके जितने गमले हैं उसमें एक एक पौधा ये ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। और इसके सबसे अच्छी खाद जो है, आप इसको 10-15 दिन में अगर आप ये जो मेरे हाथ में देखिए ये चम्मच में देख रहे हैं, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसके लिए बहुत अच्छी खाद है। इसकी अगर आप जैसे मेरा एक ये हैंगिंग बास्केट का ये हैंगिंग बास्केट है, इसमें आप मैं बताऊंगा आपको कितनी खाद देनी है इसको। आप 10-15 दिन में करीब जैसे देखिए ये 2-4 दाने लेंगे आप, इसमें हल्का हल्का ऐसे डाल देंगे साइड से 10-15 दिन में, तो ये इसके लिए खाद भरपूर मात्रा में हो जाएगी। इसको DAP के अलावा आप अगर और खाद केमिकल खाद नहीं देना चाहते हैं तो इसमें आप जो है केले के छिलके होते हैं जो उनको सुखाकर वो भी डालेंगे, उसको पीस लेंगे, या आप सूखे जो केले के छिलके हैं उनको चूरा बनाकर वो भी डालेंगे तो उस वो खाद भी इसके लिए अच्छी होती है। इससे क्योंकि फूल वाले जितने पौधे हैं गर्मियों के, अगर उसमें आप नॉर्मल खाद डाल लें बगैर केमिकल के, कोई खाद बनाते हैं घर में या किचन वेस्ट से बनाते हैं या गोबर की खाद, वो भी अगर इसमें यूज करेंगे तो वो भी इसके लिए भरपूर मात्रा में फूल खिलने के लिए अच्छी है। इस पौधे में अगर आपकी एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, देखिए जैसे ये मेरा पौधा है इसमें इतने सारे फूल खिल चुके हैं एक बार, और इसको सीजन में दोबारा तैयार करने के लिए, गर्मियों के लिए दोबारा से तैयार करने के लिए, इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप इसमें एक जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है इसमें। ये जैसे यहाँ से फूल खिल चुके हैं, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। जैसे मेरे इधर फूल खिल चुके हैं, इसको कट करेंगे, इससे क्या होगा कि आपके जितने नई ग्रोथ आएगी वहाँ से अच्छी फ्लावरिंग होने लग जाएगी। ये मैं जितने ऊपर के हैं इसको जितने फूल खिल चुके हैं इनको ऐसे कट कर देंगे तो आपके दोबारा से ये पौधा तैयार हो जाएगा फूल देने के लिए, और इसमें आप दोबारा से इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको कट कर दीजिए, ये देखिए जितने फूल खिल चुके हैं मैंने सब कट कर दिए हैं। अब इसमें जो नई ग्रोथ आएगी वहाँ से उसमें अच्छे फूल खिलेंगे और आपका पौधा दोबारा से तैयार हो जाएगा अच्छे फूल देने के लिए। इस प्रकार से इसकी आप केयर इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है केयर की। इस प्रकार से आप इसको पौधे को लगाएंगे तो आप अच्छे फूल पा सकते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।